I'm back. For this guy, I want to donate my whole clothes in my whole life. Yes, everyone. तो आपने देखा कि फॉर दिस पर्सन जिन यासीन है यानी कि के फाउंडर कह लीजिए है ना उनकी वजह से हमें लग रहा है कि यार सच क्या हम भी गलत कर रहे हैं पचास सौ टी लेंगे क्योंकि ये बात राइट है कि जब भी वीडियो बनाने से पहले अरे रेड वाली पहनू या येलो वाली पहनू पहले ये पहन रखी थी लगातार तीन वीडियो से तो आज पूरी वीडियो में इनके ऊपर ये पूरा केस स्टडी है कि यस कैसे इन्होंने एक वायरल कंटेंट को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया और इतने ज्यादा ये पॉपुलर लाइक ये खुद कहते हैं कि इसराइल में इनके मैं इंटरव्यू में सुन रहा था कि ये सेकेंड पॉपुलर इंसान है एक पॉपुलर कोई लेडी आई थिंक उनके बारे में बता रहे थे और सेकेंड ये खुद ऑब्वियसली इसराइल बहुत छोटा है और वहां ये पॉपुलर होंगे क्योंकि इन्होंने इतने वायरल कॉन्टेंट बनाया और सारा हम चिट्ठा खोलेंगे फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और इन सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे डिटेल में और आपको वाकई बहुत ज्यादा मोटिवेशन

आपने अब तक कितनी वीडियोस बनाई है और सोच लिया कि यार चल भाई गिव अप कर देता हूँ मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग पांच वीडियो बनाते हैं और करते हैं कि यार हमारा चैनल नहीं चल रहा दस वीडियो बनाते हैं और कहते हैं हमारा चैनल नहीं चल रहा दस वीडियो भी आप बनाते हैं तीन महीने में सर डेली एक वीडियो ये बनाते थे राइट right. डेली एक वीडियो उसके बाद जाके जब इन्होंने 271 वीडियो बनाई तो वो वीडियो क्या हो गई वो वीडियो हो गई वायरल वो थी हाउ चीप इज थाईलैंड कि थाईलैंड कितना चीप है तो इन्होंने इनकी इनकी वीडियो बहुत कह लीजिए मैं इनका फैन भी एक टाइप से मैंने इनकी बहुत सारी वीडियो सुनी है और उन्होंने एक बात कहा कि ये बात राइट है कि हम अमेरिकन के लिए जो अमेरिकन आते हैं उनके लिए थाईलैंड शायद चीप हो सकता है लेकिन मैं एक ऐसी कंट्री ढूंढना चाहता हूँ जो वो कंट्री उनके लोगों के लिए चीप हो मजा तो वहां है है ना कि एक कंट्री बहुत सस्ती है वहां के लोगों के लिए मान लीजिए थाईलैंड बुरी बोरी भर, भर के पैसा देना पड़ता है सो ये इनकी थोड़ी आगे थी उसके बाद आगे बढ़ते हैं मैंने आपसे कहा कि इन्होंने प्लान किया था कितनी वीडियोज का थाउजेंड विडियोज का थाउजेंड डेज में जी हाँ और हाँ ये हमेशा बिलीव रखते हैं कि वो आ, कोई कोई पर्सन स्मार्ट हो सकता है राइट कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्मार्ट ये रियलिटी है बहुत से लोग होते हैं जो एक बार में पन्ना पढ़ते हैं मैं मेरे साथ में हुआ था स्कूल्स में मेरा एक फ्रेंड प्रवीण एक बार दस वर्ड मीनिंग देखे और उसको याद हो जाए हमें ना हो तो हमें क्या करना होगा हमें पांच गुनी मेहनत करनी पड़ी होगी और उन्होंने इतनी ही की अपनी वीडियो उसके आगे हर 24 घंटे में किस तरीके से मैं अपनी इस वीडियो से कंपेरिजन में ये वीडियो काफी अच्छी बनाऊं और वो इन चीजों पर हमेशा काम करते थे उनका एक फिलोसफी है उसके बाद लगे रहेंगे तो आप सक्सीड जरूर करेंगे इस लेक चीजों में आगे और इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी 8 अप्रैल 2016 को जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने अपना वीडियो बनाना शुरू किया 9 अप्रैल 2016 स्टार्ट सोलह डेली और उसके बाद 270 वीडियोस बनाई उसमें फेल और 271 सेवेंटी वन वीडियोज हाउ चीप इज थाईलैंड वो जाके वायरल हुई आप में से बहुत सारे लोग दस पंद्रह पे गिव अप कर देते हैं तो हमें ये गिव अप नहीं करना है उसके बाद मैंने आपको बताया उन्होंने बताया कि एट द एज ऑफ ट्वेंटी मतलब लोग कितना पैसा थ्री लाइक अगर ने कहा कि उनकी वीडियोस पे में व्यूज आते हैं काफी ज्यादा 270 मिलियन उन्होंने कहा कि ऑल ओवर द मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म है चाहे फेसबुक है यूट्यूब है क्योंकि उनके बहुत सारे शॉर्ट्स आज काफी वायरल हैं उन्होंने कहा शॉर्ट्स मिलता नहीं इंस्टाग्राम पैसा देता नहीं फेसबुक पे जो उनका इन, इन स्ट्रीम एड है जो तीन मिनट की वीडियो होती है उससे और यूट्यूब के व्यूज से सम ऑफ उन्होंने कहा कि भाई कुछ मिलियंस में वो डॉलर अर्न कर लेते हैं इस टाइम पे उनके पास इतना पैसा होना चाहिए और इस टाइम पे ये सारी चीजें इतने लाइक लाखों में डॉलर्स उनकी अर्निंग होनी चाहिए और एक टाइम आया जब उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई हमारी मौत का पता सिर्फ दो लोगों को होता है एक ऊपर भगवान और दूसरा गूगल गूगल से हर कोई डरता है आपको पता है एमेजोन भी डरता है गूगल से है ना इलान मस्क भी डरते हैं गूगल से तो कहा कि भैया 24 की एज में मैंने गूगल से पूछा कि मैं कब मरूंगा तो उन्होंने कहा तुम अमेरिकन हो इस वजह से तुम जो है वो 76 की एज में मरोगे तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया और परसेंटेज में इसको निकाल के अपना निकाला कि मैं इतना परसेंट जी चुका हूं तो हर 10 महीने का वो एक परसेंट कैलकुलेट करते हैं फिलहाल उनकी लाइफ जो है वो 39 परसेंट जी चुके हैं वो तो उनके टी शर्ट्स पर आप देखेंगे हमेशा इस तरह के कुछ निशान होंगे तो वो जो परसेंटेज वाला रेशियो रहता है अभी उनका थर्टी चल रहा है इस वाले में ये हमेशा वो इस टाइप का कुछ पहन के रखते हैं और बाकी वाइट में रहता है तो ये जो है उनका अभी 39% है इट मींस कि 39 परसेंट लाइफ उन्होंने जी लिया है और हमेशा वो एक ही तरह की टी शर्ट पहनते हैं और यही उनको सही लगता है आई होप आप में से बहुत सारे लोग ये अडॉप्ट करना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं कपड़ों के सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है एक टी शर्ट खरीदी है जिंदगी और वही पहनी है। मतलब एक जैसी टी शर्ट ही पहनिए दस पंद्रह खरीद के रख सकते हैं आप उस चीज को उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि एक्चुअली पूरे वर्ल्ड वाइड में दो चीजें लोग देखना पसंद करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा बार बार रिपीट करूंगा जो ये वाला सेक्शन है सो उन्होंने बताया कि वायरल कंटेंट की दो डेफिनेशन है पहला है चेपेस्ट और दूसरा है मोस्ट एक्सपेंसिव मैंने भी देखा है इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंटेंट किस चीज से वायरल है लोग हमेशा देखना चाहते हैं कि जो अंबानी हैं अंबानी की वाइफ है नीता अंबानी उनके कॉफी कितने का है कहां से आता है वो कॉफी उनकी जो ज्वेलरी जो जो है वो कहां से आती है कितनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी है उसके बाथरूम में सोना लगा हुआ है ऐसी रील्स बहुत वायरल है इंटरनेट पे जो मैंने देखी है लोग देखना चाहते हैं कि मनाली अगर मनाली में खर्चा है पचास लाख का सॉरी पचास लाख कह रहा हो मनाली में खर्चा है वन ट्रिप का कम से कम पच्चीस हजार रुपए का तो आप दिल्ली में पाँच सौ में ठंड का मजा कैसे ले सकते हैं पीपल को ये लोगों को ज्यादा पसंद है तो लोगों को बहुत सस्ती चीज़ें बहुत पसंद है तो इंडिया में अगर आप लोगों को बहुत चीप और बहुत एक्सपेंसिव रिलेटेड कॉन्टेंट पर बनाना चाहेंगे तो लोग ऐसे कॉन्टेंट को वायरल समझते हैं और ये कॉन्टेंट वायरल होता है मेरे दोस्त क्योंकि नेस्ट डेली के मोस्ट ऑफ द कॉन्टेंट अगर आप देखेंगे अभी मेरा इंटरनेट चल रहा है तो मैं दिखाऊं पुराने जो इनके वायरल कॉन्टेंट ही लेते हैं वो डेली के ऊपर काटना मत फॉरवर्ड कर देना डेली चैनल पर हम लोग आते हैं चैनल पे क्लिक करते हैं वीडियो सेक्शन में आते हैं और वीडियो सेक्शन में आने के बाद मैं मोस्ट पॉपुलर वीडियो को देख लेता हूं उन्होंने कौन कौन सी मोस्ट आई आई थिंक वो शॉर्ट्स ही पॉपुलर होगी रिसेंट की बेसिस पे बट ही ओन्स वन मिलियन सिगरेट तो आप देखेंगे कि ऐसी चीजें जो बहुत लार्ज स्केल में है मतलब इनका कहना है कि या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम बहुत अमीर बहुत गरीब अगर यह सिनेरियो है तो यह कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल हो सकता है है ना जैसे इन्होंने बनाया अगला नेक्स्ट 68 मिलियन है कि वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन है ना तो वो चीज जो सबसे ज्यादा है ये शॉर्ट्स वीडियो है तो मैं चाहता हूं कि लॉन्ग वीडियो जो है उस पर भी हम बात कर लें एक बार दोबारा से मैं वीडियो सेक्शन में आ जाता हूँ और आई थिंक ये मोस्ट एक्सपेंसिव है ना बिग मैक मतलब सबसे महंगा जो बर्गर है उसके बारे में इन्होंने बात करी तो मैं चाहता हूँ दोबारा से एक बार पॉपुलर सेक्शन में जाऊँ और मोस्ट पॉपुलर वीडियो हम थोड़ा सा देखते हैं शॉर्ट्स से हटके शॉर्ट्स के अलावा इनकी मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो कौन सी है अब देखें साफ लिखा हुआ है यहां पे कि दिस गाय विल नेवर डाई मतलब ये इंसान जो नहीं मरेगा तो वही मैंने कहा ना कि जिंदगी या तो पूरी जीने वाला बंदा और जो कम समय में जीने वाला बतना तो आई होप आपको इससे एक मिल गया होगा ये इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं अगर आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है ऐसे कॉन्टेंट को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है और ऐसे कॉन्टेंट हम आप लोगों को देते भी हैं हमारे फैक्ट का पूरा एक सीरीज है जहां पर हम लोगों को सिखाते हैं और सारी चीजें करते हैं तो आप नंबर पर कॉल कर लोगे तो लाइव सेशन में हम सिखाते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको मिल जाएंगी तो हमारे काउंसलर आपको बताएंगे हमारा जो प्रोग्राम है जिसके बारे में आप देख सकते हो कि सारी चीजें बनाते हैं इनफैक्ट मैं भी अब इन चीजों पर काम करने वाला हूं मैं इनको काफी फॉलो करता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ यार अगर वायरल कंटेंट बनाना हो तो आप इनसे सीख सकते हैं दिस इस गाय इसने चेंज किया है पूरी लाइफ तो जहां पर ग्रेविटी डजेंट वर्क मतलब इन्होंने बताया कि जहां पर ग्रेविटी ही वर्क नहीं करती तो ऐसा कंटेंट आपको ढूंढना पड़ेगा है ना और आई होप आप इस कंटेंट पे काम कर पाएंगे थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं तो यह चीज आप आई होप आपको समझ आ गई होगी उसके बाद हमेशा इसका कहना है कि इंटरनेट की एक पावर है पावर क्या है इंटरनेट की इंटरनेट की एक पावर यह है कि यह आपको ऊपर ले आता है फिर धकेलता है नीचे फिर थोड़ा ऊपर करता है फिर धकेलता है फिर ऊपर करता है धकेलता है धकेलता है और एक टाइम ऐसा आता है या तो आप इस केस में बस माइनर फर्क है या तो आप गिव अप कर दोगे इतने टाइम आने के बाद शायद ये टाइम का जो फ्रेम हो सकता है यह फ्रेम इन्होंने बताया कि ये फ्रेम या तो थ्री मंथ्स हो सकता है या किसी के लिए कोई एक पर्सन है, उसके लिए सिक्स मंथ्स हो सकता है किसी पर्सन के लिए ये वन ईयर हो सकता है डिपेंड करता है आप किस केस में आते हैं लेकिन अगर आप गिवअप नहीं करेंगे तो इसके बाद इन्होंने साफ कहा है कि इसी के बाद वो घड़ी आती है जब आप सीधा ऊपर की तरफ उठ जाते हैं मैं इसे रेड मार्क में दूं

कंटेंट एक ऐसा बनाए जिसमें इंगेजिंग पावर हो लोग इंगेज रहे उस वीडियो को देख के ऐसा ना हो कि लोग बोर हो जाएं लोगों को समझ ना आए सो आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे कि किस तरह इस पर्सन ने ये सारी चीजें बताई और लोग आए गए एक और सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं शुरू में भी लोगों को बताऊंगा इस चीज पे कि इनके पास एक ऐसा एडिटर था जिसमें ना तो कोई क्वालिफिकेशन थी वो सिर्फ 19 साल की एक लड़की है तो लाइफ में क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती कि आप कितना पढ़े लिखे हैं आप कितने स्मार्ट हैं आप कितनी चीजों को कितने इजिली सॉल्व कर सकते हैं वो इस पर्सन ने बताया कि आपका मतलब लाइफ में आप सोचो कि पढ़े लिखे हो दैट बिकम यू विल बी सक्सेस तो ये चीज नहीं हो पाएगी आप कितने स्मार्ट हो आप चीजों को कितने आसानी से कर सकते हो आप किसी भी प्रॉब्लम को कितने इजिली सोल्व कर सकते हो यही आपको लाइफ में आगे ले जाता है आई होगा इंडिया में इतना पैसा देना पड़ेगा इनफैक्ट आई एल टेल यू वीडियो बनाने से जस्ट दस मिनट पहले अभी रात के तकरे बारह एक बज रहे हैं और मैं एक मॉल से आ रहा था मैंने अपनी गाड़ी क्रेटा जो है वो बैंगलोर भेज दी शायद आप देख रहे होंगे वीडियो तो मैं बैंगलोर में हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से शिफ्ट होकर बैंगलोर आया हूँ कह लीजिए या जाऊँगा कह लीजिए तो मैं वहां से मैंने ऑटो ले ली जस्ट तो उसको मैंने सौ रुपये दिए मैंने कहा एक मेकडॉनल्स में छोड़ देना मेकडॉनल्स से मेरे घर की दूरी मात्र हाफ एन किलोमीटर से भी कम होगी वहां पर आने के बाद बोला मैंने कहा थोड़ा सा और आगे छोड़ देंगे ना चालीस रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे मुझे अंदर से हंसी आई और मैंने कहा इससे बहस नहीं करनी मैंने कहा बिल्कुल आपको देंगे तो वो उस लाइक like, फाउंडर को ये प्रॉब्लम आई कि वो टैक्सी ड्राइवर ने वहां से वहाँ जाने के लिए उसको रास्ते से भगा दिया उतार दिया तब उसको समझ आया कि नहीं कैब डेवलपमेंट करूँगा जहाँ से उस टैक्सी ड्राइवर वहां तो पहुंचेगा लेकिन उसके बाद उसको ये टेंशन नहीं होगी वहां से वो आने का भाड़ा उसको खुद लगेगा वहां से किसी को वो लेके आ सकता है तो यही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन और आई होप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग तो सारी चीज़ें हो ही रही हैं तो इनके पास ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास एजुकेशन नहीं थी लेकिन वो बेस्ट चीज़ें हैं और आज इनके पास थाउजेंड से भी ज़्यादा आई होप इम्प्लॉयज़ होंगे इनका एक ड्रीम था कि मेरे पास इतने इंप्लॉयज़ हों एक टाइम पे सपना देखा उन्होंने पूरा किया एक कंप्लीट निश सेगमेंट में मतलब एक वायरल कंटेंट के सेगमेंट में इन्होंने वीडियोस बनाई और आज इनके ढेरों सारे स्टूडेंट्स हैं और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो अगर आप भी इस तरीके की चीज़ें चाहते हैं तो इंडिया में मैं एक रिवोल्यूशन लाना चाहता हूँ आप लोगों के साथ जुड़ के कि वीडियो कॉन्टेंट और वायरल कॉन्टेंट में आपने देखा होगा मैं और आई नीरॉन के साथ मिलकर हमने इतने सारे सपोर्ट सिस्टम के काम किया है इतने सारे हैकोथन होते हैं हमारे ऑफिसेज में सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हैंड होल्ड हम सपोर्ट देते हैं तो अगर आप भी ऐसे वायरल कॉन्टेंट और सारी चीज़ों काम करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए मैं आपको सारा मॉड्यूल और सारी चीजें सिखाऊंगा मैं और मेरी जो प्रोफेशनल लोगों की टीम है जो सिर्फ इन्हीं चीजों पे काम करती है वो आपको सिखाएंगे सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक like, पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत